अगली खबर है जी, जागो पार्टी वालों पाकिस्तानी दूतावास नेड़े प्रदर्शन। पाकिस्तान विच गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह ताला लाने ते रोस प्रगटाया। हुण इह रोस श्रोमणी कमेटी करे तां धामी साहब करन दी गुहार जचदी है। इह जागो पार्टी है, इह दिल्ली कमेटी वाले ने बनाई है, ते इह सारे मोदी दे अगे ने टुकड़ बोच। सिर्फ इह गल्लां करके सिख कौम दा विश्वास जितना चाहते ने, ते इन्हां दी डुप्लीकेसी तों जिहड़ा बच के रहना, इस पार्टी नूं थप्पड़ पैणे चाहीदे ने। भ्रिष्टाचार दे दोष हेठ एएसआई गिरफ्तार, पुत्र नामजद। आ देख लो, एएसआई गिरफ्तार हो गया ते पुत्र भी इसे काम च लगा है। इन्हां दा कुटापा होना चाहिए प्यो पुत्र दा। पंजाब दे सरकारी स्कूलां च स्थापित कीते जाणगे विद्यक पार्क, बड़ी सियाणी गल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दे ट्रायल 16 नूं बड़ी अच्छी गल है। चंदू माजरा वालों पंजाब दे हितां लई संसद मैंबरां नूं एकजुट होण दी अपील। चंदू माजरा आप ही यानी अकाली दल का टुकड़ बोझ है, लोगों के पैसे खाता है, अकल नहीं शकल नहीं, कहता कि सारे कट्ठे हो जाओ। बदलाव के बावजूद सरकारी दफ्तर च लोगों की खुआरी बरकरार। इस गल नाल मैं भी सहमत हाँ, भावे आम आदमी पार्टी कहती है कि असी बड़े सुधार किए ने, ते मैं हुण कानू ना लैणा, मैं अपना कोई सरकारी काम कराया है रिश्वत दे के, क्योंकि कहते मैनूं दसदा सी वकील ने कि नॉर्मली काम तुहाडा होना कोई नहीं हैगा, ते दफ्तर चले जाओ, बिना रिश्वत काम कोई नहीं हो रहा। भगवंत मान जी बिल्कुल झूठ बोलते ने कि असीं रिश्वतखोरां नूं फड़ रहे हां। इस करके कला भगवंत मान दा गुजार पाई है, बाकी सारे मोर इकट्ठे किए हुए ने समेत केजरीवाल ने। एएसआई 1000 रुपए रिश्वत लैंदा गिरफ्तार। हुणे वेख लो, अगर मैं गल करदा पिया भगवंत मान दी पार्टी बंदे रिश्वत लैंदे पे ने, एएसआई फड़िया गया रिश्वत लैंदा। खेड मंत्री ने कमलजीत खेडां च दौरान जेतू ने नाम मंडे, बड़ी अच्छी गल है। आप ने पंजाब गैंगस्टर राज कायम किया, रूपाणी बिल्कुल सही गल है। हर पास गैंगस्टर फैले हुए ने, इन्ने गैंगस्टर पहले नहीं कभी होंगे जिन्हें आम आदमी पार्टी वेले हुए ने। यह महामूर्खा की पार्टी आम आदमी पार्टी। अगे बहुत अच्छी खबर आई है, मैनू शाहरुख नाल सैट ते ओपरा नहीं लग्या, रिद्धि डोगरा बड़ी सियाणी कुड़ी है। ते अगे आ गया जी, अक्षय कुमार ने फिल्म सैल्फी राही सफलता का मंत्र साझा किया। अक्षय कुमार बड़ा अच्छा एक्टर है। अगे खबर आंदी जी, भारत जोड़ो यात्रा हिस्सा लैण गए हिमाचल के नवे चुने विधायक। चलो ये सियासी स्टंट है, इन्होंने गलों तो आप कुछ नहीं लैना देना। अगे गल आ जी, माओवादी लिंक केस। सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की घर नजरबंदी की म्याद वधाई, तो यह हूं सुप्रीम कोर्ट जाने दो, जाने आप की लैना। अश्लील वीडियो के केस च राज कुंदरा ते होरनां नूं गांव जमानत। हुण राज कुंदरा छौणी महल्ले दा, इन्हें बड़ी सोहनी एक्ट्रेस नाल विआह करा लिया सी, ते बंदे कोल पैसे बहुत ने, ते एक नंबर दा हरामखोर आदमी है, नशे करदा ते अश्लीलता करदा, ते इहनूं गोली मार देनी चाहीदी है। दिल्ली संवाद दे विकास कमिशन दे उप चेयरमैन दा मामला राष्ट्रपति दे विचार अधीन। सक्सैना, सक्सैना जिहड़ा उह भावें उहने सियाणी गल कीती है, पर राष्ट्रपति जिहड़ी मुर्मू है, मोदी दी टुकड़ बोच, इहने कख नहीं करना, ते राष्ट्रपति कोलों इंसाफ दी आस ना रखो। गैर कानूनी नशियां दा वड्डा हिस्सा समुंदर रस्ते भारत च आ रहा, वित्त मंत्री जी आ रहे, फिर तू किस बाग दी मोरी है, तू रोक नहीं सकदी। बिहार महाराष्ट्र ते उड़ीसा सरकार वालों जात आधार जनगणना दी मंग, तो एक किड्डी माड़ी गल है कि जात आधार ते जनगणना होनी चाहीदी है। आ वेख लो साडे लीडर एडे मूर्ख ने। दिल्ली हवाई अड्डे ते भीड़, मुद्दा डायल ते सीईओ कोल उठाएगी संसदीय कमेटी। ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੰਤਰਿੰਗ ਜਮਾਨਤ, ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਏ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲੈਣਾ।